हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टम नेट पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वॉस्ट्रो 5630 वर्सेस इंस्पिरॉन 5630। हमारे पास एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर का। हम हमारे सब्सक्राइबर का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके कमेंट का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमें क्या रिक्वायरमेंट करी है, तो उन्होंने हमें कहा था कि इंस्पिरॉन 5630 और वॉस्ट्रो 5630 में क्या डिफरेंट है। तो मैं दोनों आपको आज ये मॉडल लाइव दिखा रहा हूँ, दोनों मॉडल मैंने सामने रखे हुए हैं। मेजर डिफरेंस आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा पहले जो फिजिकल है, बाकी आपको फोटो से सब डिटेल्स बता दूंगा क्या परफॉर्मेंस रहने वाला, कितना के कवर है, क्या थ्रेड्स है। तो आप हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इन दोनों लैपटॉप में आपको कुछ ऐड ऑन करना है आप कमेंट में जाके ऐड ऑन कर सकते हो। और दोनों का सिंगल वीडियो मैंने बना रखा है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हो दोनों लैपटॉप का वीडियो भी। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ये दोनों सीरीज़ की बात करें तो वॉस्ट्रो 5630 कमर्शियल सीरीज़ में आता है, और इंस्पिरॉन 5630 जो आएगा वो कंज्यूमर सीरीज़ में आएगा। तो बिजनेस पर्पज़ के हिसाब से आपको वॉस्ट्रो 5630 मिल जाएगा, और ऑफिस यूज या आपको ट्रैवलिंग वगैरह के हिसाब से इंस्पिरॉन 5630 बेस्ट है। अगर मैं इन दोनों लैपटॉप के बॉडी की बात करूँ तो दोनों मेटल बॉडी के साथ आ रहे हैं, और कलर की बात करूँ तो ये टाइटन ग्रे कलर मिलता है, और ये वाला आपको मिलता है प्लैटिनम सिल्वर। कलर दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर आपको कलर डिफरेंस देखना है तो एक टाइटन ग्रे कलर और सिल्वर कलर दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। इन दोनों लैपटॉप के वेट की बात करें तो जो वॉस्ट्रो वाला लैपटॉप है उसमें आपको 1.9 kg वेट मिल जाएगा, और इंस्पिरॉन वाले में 1.8 kg है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम वॉस्ट्रो 5630 कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, और फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाएगा। तो वॉस्ट्रो सीरीज आपको एक ऑप्शन अच्छा ये मिल जाता है, और इसमें आपको टच पैड जो मिल रहा है, छोटा सा टच पैड मिल रहा है। ये अगर हम इंस्पिरॉन की बात करें तो इंस्पिरॉन में आपको न्यूमेरिकल कीबोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको अपसाइड फिंगर देखने को मिल जाएंगे, और इसका टच पैड वॉस्ट्रो वाले से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसमें ईजिली मूव आउट कर सकते हो अगर आपको वर्क अच्छा हो जाएगा इसमें भी। और इसमें भी आपको बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट दोनों देखने को मिलेगा। इस वॉस्ट्रो 5630 लैपटॉप के पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है विद नोटिफिकेशन लाइट के साथ, एक HDMI पोर्ट है और USB पोर्ट है 3.2 Gen के साथ, थंडरबोल्ट 4 देखने को मिल जाता है। अगर हम इस साइड पोर्ट की बात करें तो इस साइड आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको SD कार्ड पोर्ट मिल जाएगा, एक USB 3.2 Gen के साथ, एक RJ45 है LAN पोर्ट के साथ मिलता है, एक ऑडियो जैक है। यही अगर हम इंस्पिरॉन वाले लैपटॉप की बात करें, इंस्पिरॉन 5630 में आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, HDMI पोर्ट है और USB पोर्ट मिल रहा है, थंडरबोल्ट 4 देखने को मिल जाएगा, और इस साइड आपको एक्स्ट्रा जो फीचर मिल रहा है इधर भी सेम, एक USB पोर्ट है और SD कार्ड है और एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। तो वॉस्ट्रो वाले में आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट जो मिल रहा है RJ45 देखने को मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर जो अगर आपकी ऑफिस वगैरह में नेट वगैरह के साथ अगर यूज़ करना है तो आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करें तो दोनों लैपटॉप में आपको 16:10 Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और कंफर्ट व्यू टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाएगी, फ्लिकर फ्री स्क्रीन मिल जाएगा, DC डायमंडिंग, और 250 की ब्राइटनेस लेवल है। तो ओवरऑल दोनों लैपटॉप के डिस्प्ले सेम है। दोनों लैपटॉप की कैमरा क्वालिटी की बात करें इसमें आपको 1080 पिक्सल कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा, Full HD कैमरा, ड्यूल माइक्रोफोन मिल जाएंगे इसमें आपको, वाइड डायमंडिक रेंज मिल जाएगा, टेम्पररी नॉइस रिडक्शन मिल जाएगा, और दोनों में मैकेनिकल कैमरा शटर है तो प्राइवेसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों लैपटॉप के अगर प्रोसेसर की बात करें तो दोनों 13th generation प्रोसेसर के साथ मिलेंगे आपको। वॉस्ट्रो जो आएगा i5-1335U के साथ आएगा, और इंस्पिरॉन 5630 आपको जो मिल रहा है i5-1340P प्रोसेसर के साथ मिल रहा है। तो ये डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, वॉस्ट्रो आपको यू प्रोसेसर के साथ आ रहा है, और इंटेल इंस्पिरॉन आपको पी प्रोसेसर के साथ आएगा। दोनों में 12 MB कैश मेमोरी आ रही है, और वॉस्ट्रो वाली सीरीज में आपको 10 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलेंगे, वहीं इंस्पिरॉन 5630 में आपको 12 कोर 16 थ्रेड देखने को मिलेंगे। तो कोर्स एंड थ्रेड आपको इंस्पिरॉन में ज़्यादा मिल रहे हैं, और अप टू 4.60 GHz की स्पीड दोनों में आपको सेम मिल रही है। दोनों लैपटॉप की अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोनों लैपटॉप में आपको 16 GB रैम देखने को मिलेगी ड्यूल चैनल के साथ, 4800 MHz स्पीड आएगी इसमें, LPDDR5 रैम के साथ आएगी, और 512 GB SSD है, NVMe SSD मिलेगी इसमें आपको, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, और रैम है ऑनबोर्ड रैम आएगी वो। दोनों लैपटॉप की अगर कनेक्टिविटी की बात करते हो दोनों में आपको इंटेल Wi-Fi 6E मिल जाएगा, ब्लूटूथ का इसमें आपको 5.2 वर्जन मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पावरफुल कनेक्टिविटी है, और ब्लूटूथ के कनेक्शन भी अच्छा है, 5.2 वर्जन मिल रहा है।
वॉस्ट्रो लैपटॉप में आपको दो एक्स्ट्रा फीचर जो मिलते हैं, फर्स्ट फीचर जो मिल रहा है इसमें आपको TPM 2.0 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉडल मिलता है। ये आपको लैपटॉप को पूरा सिक्योर करता है। ये हार्डवेयर चिप होती है, ये इंटीग्रेटेड होती है, तो ये आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएगा। और ये हम सेकेंड फीचर की बात करें, इसमें आपको सिक्योरिटी ईमेल स्पेक टेस्ट का मिल जाता है। इसमें अलग अलग तरह से लैपटॉप का टेस्ट किया जाता है, वेरिएबेशन टेस्ट, मैकेनिकल शॉक टेस्ट एंड बेंच हैंडलिंग, तो अलग अलग टाइप से इसमें टेस्ट किए जाते हैं लैपटॉप के। ये जो फीचर्स हैं वो आपको इंस्पिरेंट वाला लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों लैपटॉप के अगर रिव्यू की बात करें तो वॉस्ट्रो 5630 आपको 4.2 रेटिंग के साथ मिल रहा है, और ये अगर इंस्पिरेंट वाले 5630 की बात करें तो 4.3 रेटिंग्स मिली है। दोनों लैपटॉप नेट टू नेट कॉम्पिटिशन में, दोनों लैपटॉप के अपने अपने फीचर्स हैं, यूज़ पर डिपेंड करता है। दोनों लैपटॉप की अगर बैटरी की बात करें तो उसमें आपको 4 सेल बैटरी मिलने वाली 54 वाट हर की, और 65 वाट का एसी एडाप्टर मिलने वाला है, और ये 0-80% आपको 60 मिनट में चार्ज लैपटॉप कर देगा ऑन यूज़ पे, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलने वाला है और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी मिलने वाली है। इसी के साथ हमारे कंपैरिजन ख़त्म होते हैं और हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो में कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और अगर हमारा चैनल बनाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस 15 अगस्त को लैपटॉप लेने वाले हैं और हमारा 1K सब्सक्राइबर को होने वाले हैं। और तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए 1K सब्सक्राइबर के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।